चैप्टर नंबर टू मेथड ऑफ रिसर्च। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर जितना भी सोशियोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की है वो डिस्कशन ये होती है कि जितनी भी हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इम्पैक्ट इंडिविजुअल या ह्यूमन बिहेवियर्स के ऊपर क्या होता है। अगर आपको वॉइस ना हो तो आप मुझे साथ साथ इन्फॉर्म करते रहिएगा। तो अब हमने जितनी भी डिस्कशंस की वो हमने डिस्कशंस की कि सोसाइटी और इंडिविजुअल का आपस में क्या लिंक बनता है, तो हमने डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को डिस्कशंस की। फिर कुछ सोशियोलॉजिस्ट थे जो कि उन चीज़ों के साथ एग्री कर रहे थे जो कि जिनको हमने कंसेंसस में रखा, जिनको हमें फंक्शनलिज्म बोल दिया। फिर कुछ ऐसे भी सोशियोलॉजिस्ट थे जो कि जितने भी हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ वो डिसएग्री कर रहे थे, तो हमने उनको कन्फ्लिक्ट में कैटेगराइज कर दिया। और फिर हमने फर्दर दो हिस्सों में इनको डिवाइड कर दिया था कि एक हमारे पास आते हैं मार्क्सिस्ट लोग और एक आते हैं फेमिनिस्ट लोग। तो जब भी वो बात कर रहे थे वो एक तरह का डिसएग्रीमेंट था या डिसअप्रूवल था अबाउट द रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, आज हम मेथड ऑफ रिसर्च कर रहे हैं कि जब भी हम कोई स्टडी कंडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो डेटा है हम लोगों से किस तरह से लेते हैं या किस किस फॉर्म से ले सकते हैं। तो आज हम हमारे जो पॉइंट है 2.1 टाइप्स ऑफ डेटा मेथड एंड द रिसर्च। अगर हम टाइप्स ऑफ डेटा की बात करें तो जनरली तौर पर हम इसको दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। एक हमारे पास होता है प्राइमरी डेटा, एक हमारे पास होता है सेकेंडरी डेटा। अच्छा, अब पहले है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा बेसिकली इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन कलेक्टेड पर्सनली बाय द रिसर्चर। जो भी डेटा आप पर्सनली कलेक्ट करते हैं हम उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। अब आप पर्सनली कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप जाके किसी से इंटरव्यूज वगैरह ले लेते हैं या आप कोई भी क्वेश्चनेयर्स वगैरह ड्रॉप कर एक डेवलप कर लेते हैं किसी भी पेपर्स के ऊपर और आप किसी को भी दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इसको जो है ना वो फिल कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट्स के अंदर जाते हैं तो आपने देखा होगा खाना खाने के बाद आपको या तो एक क्वेश्चनेयर दिया जाता है या कोई भी टैब दिया जाता है जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपसे पूछा जाता है कि आपको हमारी सर्विस क्वालिटी कैसी लगी या जो भी एक एनवायरनमेंट वगैरह या क्वालिटी वगैरह जो है प्रोडक्ट की वो कैसी रही। अब इस तरह से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है हम उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। अगर प्राइमरी डेटा, जबकि सेकेंडरी डेटा कौन सा, सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो कि ऑलरेडी पब्लिश्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट से जाके उठा लेते हैं या आपको न्यूज़पेपर के अंदर मिल गया है या आपको बुक्स के अंदर मिल रहा है, हम उनको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। फैज, आपको आवाज आ रही है? सर आ रही है। ओके, अच्छा, अब हमने हर डेटा की कुछ स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ देखनी है कि स्ट्रेंथ कौन सी होती है, लिमिटेशंस के ऊपर भी देखेंगे। हर डेटा टाइप्स की अपनी स्ट्रेंथ है और अपनी लिमिटेशंस है। अगर मैं प्राइमरी डेटा की स्ट्रेंथ की बात करूं तो स्ट्रेंथ के अंदर क्या आ सकता है, स्ट्रेंथ के अंदर तो ये आ सकता है कि चूंकि डेटा आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट कंट्रोल है पूरे प्रोसेस के ऊपर, कंप्लीट कंट्रोल ओवर प्रोसेस। आपको पता है हाउ टू कलेक्ट, वेन टू कलेक्ट डेटा। एक तो आपको कंप्लीट प्रोसेस कंट्रोल आ जाता है ओवर द प्रोसेस। सेकेंडली ये है कि आप रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी जो है आपके पास उसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है, कंट्रोल ओवर डेटा रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अगर हम इसकी लिमिटेशन या वीकनेस की बात करें प्राइमरी डेटा की, तो हमारे पास क्या आ रही है लिमिटेशंस में, ये है कि पहली बात ये कि टाइम कंज्यूमिंग है वन बाय वन। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि 100 लोगों से डेटा कलेक्ट करें तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग चीज है। नंबर वन, टाइम कंज्यूमिंग, इसकी नंबर वन लिमिटेशन ये आ गई। नंबर सेकंड, अगर हम बात करें तो प्राइमरी रिसर्च कैन आल्सो बी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव हो सकती है आपको।
अगर आपने इंडिविजुअली किसी को अप्रोच करना है, तो आपने तो पहले वन बाय वन अप्रोच करना है, विल टेक टाइम और एक्सपेंसिव हो सकता है, डिपेंड करता है सिनेरियोस के ऊपर, क्वेश्चनेयर फिल करवाने या अपने जो भी रिसर्चर हैं जिनसे आप डेटा लेना चाह रहे हैं उन तक एक्सेस लेनी, तो इट कुड बी एक्सपेंसिव। और थर्ड जो हम एड अप कर सकते हैं इसमें वो ये है कि लोग माइट बी पॉसिबल रिफ्यूज कर दें टू फिल दैट। लोग क्या करें, रिफ्यूज कर दें कि हम आपका जो क्वेश्चनेयर है फॉर एग्जांपल फिल नहीं करना चाह रहे। जैसे लेट्स से मैं आपसे कहूं कि आप किसी को कोई कोई डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर या स्टडी के ऊपर, आप कोई स्टडी कर रहे हैं जो कि एसोसिएट करती है किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ। फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी से पूछते हैं कि आप सिगरेट यूज करते हैं या नहीं करते, तो मेजॉरिटी लोग जो है ना वो सिगरेट पीते हैं बट वो उसको रिवील नहीं करना चाहते, तो आपका जो क्वेश्चन है वो उसको फिल करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि वो एग्री नहीं कर रहे। तो दैट कुड बी अनदर लिमिटेशन ऑफ द प्राइमरी डेटा। अगर हम सेकेंडरी डेटा की बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि सेकेंडरी डेटा जो है, सेकेंडरी डेटा वो होता है जो कि ऑलरेडी पब्लिश्ड है आपकी वेबसाइट्स के ऊपर। आप इसको बुक से उठा सकते हैं, आप इसको न्यूज़पेपर से उठा सकते हैं, आप इसको कहीं कहीं से भी उठा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा की अगर मैं स्ट्रेंथ्स की बात करूं, तो हमारे पास जो सेकेंडरी डेटा की रिसर्च ये कि जो स्ट्रेंथ में आएगा, नंबर वन इसका ऑपोजिट आप कर लें प्राइमरी डेटा की, एक तो ये कि टाइम सेविंग है, आपको एक ही जगह से कंप्लीट डेटा मिल सकता है, नंबर वन। सेकंड, डेटा जो है थोड़ा बहुत रिलायबल होता है क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं या कोई इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं जहां से आपको डेटा चाहिए होता है, या आपको क्राइम डेटा, मैरिज डेटा या डिवोर्स डेटा, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, तो आपको काफी ज्यादा ऑथेंटिक रिसोर्सेज मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको एक रिलायबल डेटा जो है वो मिल जाता है। अच्छा, डेटा आपको नंबर वन रिलायबल मिल जाता है। सर आपकी स्क्रीन शेयर होना बंद हो गई। ओके, जी स्क्रीन विजिबल नहीं है आपको? नहीं सर, अभी नहीं। जी आप बताएं। सर अभी भी नहीं है, अब हो जाए सर। ओके ओके, स्ट्रेंथ एक तो ये है कि डेटा आपके पास रिलायबल आ जाता है, और जो नंबर थ्री आप ऐड कर सकते हैं वो ये होता है कि आपके पास एक चीप वे हो सकता है एज कंपेयर टू प्राइमरी डेटा। ये तो हम सेकेंडरी डेटा की स्ट्रेंथ आ गई। अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस में जो हमारे पास पहली चीज आती है वो ये है कि आपके पास जितने भी सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल आपने जैसे वेबसाइट्स की बात की, तो कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि आप खुद भी पर्सनली उसमें उसके अंदर जो डेटा जो है वो चेंज कर सकते हैं, तो जिस किस्म की सोर्सेज आप यूज करें उन सोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग सकता है, ठीक है? तो इट कुड बी अनदर, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का जो इस वक्त जीडीपी चल रहा है, या अगर मैं बात करूं तकरीबन 2015-16 की, तो पाकिस्तान का जीडीपी चल रहा था कोई राउंड ऑफ 3.2, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो बोल रहे थे कि हमारा जो जीडीपी चल रहा है दैट इज नोन एज 4.2। अब होता क्या है कि आप किसी भी ऑफिशियल पर्सन के ऊपर जब रिलाय करते हैं तो माइट बी पॉसिबल वो आपसे फेक डेटा शेयर कर रहा हो, तो कई दफा ऐसा होता है कि आपके साथ जो डेटा है वो फेक शेयर किया जा सकता है। और सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हैं कि अनरिलायबिलिटी होती है वो हमेशा स्टैटिस्टिक्स के अंदर होती है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको स्टैट्स की फॉर्म में मिलती है वो सबसे ज्यादा अनरिलायबल डेटा समझा जाता है। तो चूंकि हमारी तो रिसर्च एक इस तरह की है कि हमने जो कि रिलाई स्टैट्स के ऊपर करना है, तो जो भी रिसोर्सेज हैं जहां से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या ये रिसोर्सेज ऑथेंटिक भी हैं या
नहीं है. तो दैट कुड बी अनदर रीजन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द सेकेंडरी डेटा. अच्छा फर्दर अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो हमारे पास डेटा जो है वो फर्दर दो हिस्सों में कैटेगराइज होता है. एक हमारे पास होता है क्वांटिटेटिव, एक हमारे पास होता है क्वालिटेटिव. अच्छा क्वांटिटेटिव नाम से पता चल रहा है जो कि आप किसी चीज को न्यूमेरिकली काउंट कर सकें. न्यूमेरिकली किसी चीज को काउंट कर सकें हम उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा. जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल, और आप ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल हु लिव इन अ सोसाइटी या हु लिव इन अ सिटी. अब ये जो भी डेटा है आपको आप इसको काउंट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा. अच्छा क्वांटिटेटिव डेटा की अगर मैं स्ट्रेंथ्स की बात करूं तो क्वांटिटेटिव डेटा जो है नंबर वन स्ट्रेंथ की अगर हम इसकी बात करें तो द एबिलिटी टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप स्टैटिस्टिकली कैन बी यूजफुल. तो आप क्या है कि आप किसी भी वेरिएबल्स के दरमियान जब रिलेशनशिप स्टैटिस्टिकली शो करवाते हैं तो बड़ा यूजफुल होता है. आप कह सकते हैं यू कैन यू शो रिलेशनशिप स्टैटिस्टिकली. फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो डिवोर्स रेशियो है वो कितनी है. लेट्स से आंसर आ जाता है आपके पास 35%. तो ये वो एक रिजल्ट है जो कि आप 35% बता रहे हैं तो ये बहुत यूजफुल है. आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि जो एक स्पेसिफिक आप जिसके ऊपर स्टडी कर रहे थे, आप कुछ चीज एक्सप्लोर कर रहे थे. तो जब भी कोई रिजल्ट न्यूमेरिक फॉर्म में आता है तो वो बड़ा एक तरह का आप यूं कह दें कि बहुत यूजफुल होता है. एक क्लियर पिक्चर आपको क्लियर हो जाती है कि एडर किस साइड पे जो है ना पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड. अपार्ट फ्रॉम पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स एक रिजल्ट्स की हमें क्लियर पिक्चर मिल जाती है जो कि हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा की स्ट्रेंथ है. अच्छा अगर मैं इसकी लिमिटेशंस की बात करूं तो लिमिटेशंस के अंदर एक और जो चीज आती है वो ये हमारे पास आती है कि बाज का आप डेटा जब कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम रिस्पोंडेंट, तो सबसे बड़ा जो पहला इश्यू आता है कि अगर आपने लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है, बिहेवियर, तो एक अनरिलायबल सी चीज है कि आप इसको न्यूमेरिकली शो नहीं करवा सकते. यू कॉन्ट शो इट न्यूमेरिकली. काफी ज्यादा रिसर्चेज हैं जो कि आप इस तरह की रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं जहां पर आपको ह्यूमन साइकी इन्वॉल्व करनी होती है. तो आप वहां पर क्या करते हैं, आप वहां पर न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि 3% या 5% उसका मूड फ्रेश है और 95% फ्रेश नहीं है, या आप ये कह सकते हैं 95% मूड बेहतर है या 5% बेहतर नहीं है. तो इस तरह का जो डेटा आता है वो आप क्या करते हैं, आप न्यूमेरिकली शो नहीं करवा सकते, दैट बिकम अनरिलायबल. अच्छा नेक्स्ट हमारे पास था क्वालिटेटिव. नाम से पता चल रहा है क्वालिटी, थिंग्स दैट यू कैनॉट काउंट न्यूमेरिकली. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं आप रिसर्च कर रहे हैं जहां पे आपने किसी की हैप्पीनेस फाइंड करनी है, आइदर हाउ मच हैप्पी पर्सन इज, तो ये वो चीज है जो कि आप मुझे ये चीज आप काउंट नहीं कर सकते. कौन कितना खुश है आप किसी चीज को काउंट नहीं कर सकते. अच्छा अब इसके अंदर क्या स्ट्रेंथ हो सकती है या क्या पार्टी लिमिटेशन हमारे पास हो सकती हैं,
अगर मैं स्ट्रेंथ्स की बात करूं तो जो एम होता है क्वालिटेटिव रिसर्च का, वो होता है हमेशा टू अंडरस्टैंड प्यूपल बिहेवियर। जैसे मैंने ऊपर बात की कि प्यूपल बिहेवियर में आप क्वालिटेटिव डेटा यूज नहीं करते, आप हमेशा सॉरी क्वांटिटेटिव डेटा यूज नहीं करते बल्कि आप हमेशा क्वालिटेटिव डेटा यूज करते हैं। सेकेंडली ये है कि जो क्वालिटेटिव मेथड्स है, जैसे आपने किसी को ऑब्जर्व करना है, आपने किसी को ऑब्जर्व करना है, तो आप क्या करते हैं, आप उसके लिए भी न्यूमेरिकल डेटा या क्वांटिटेटिव डेटा आप यूटिलाइज नहीं करते बल्कि क्वालिटेटिव डेटा यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी बच्चे को अगर ऑब्जर्व करना है, तो आप उसकी जितनी भी एक्टिविटीज को देख रहे हैं या आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप मुझे उसको न्यूमेरिकली नहीं बता सकते कि ये इतने परसेंट ये काम करता है, इतने परसेंट ये काम करता है। डेटा बिल्कुल ही एक अनऑथेंटिक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है हमारे पास कि हम क्वालिटेटिव डेटा यूज करते हैं। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस के लिए या आप किसी का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसके लिए जो क्वालिटेटिव डेटा हम यूज करते हैं, जो कि इसकी मेन स्ट्रेंथ है। अगर हम लिमिटेशंस के ऊपर आए, बाज का ये होते हैं कि जब आप ह्यूमन बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, प्यूपल बिहेवियर जब आप ऑब्जर्व करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेट से कि जून के मंथ के अंदर चूंकि एक टेम्परेचर है, लेट से वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो आपने बिहेवियर ऑब्जर्व करना है कि यहां पर लोगों का टॉलरेंस लेवल कितना है, पेशेंट लेवल कितना है किसी भी आम भी एक कम्युनिटी का। आपने 10 लोगों का एक लेट से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि वहां पे अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी हो, तो लोगों का जो एंगर लेवल है वो कहाँ तक रहता है, या लोगों में जो सब्र का लेवल है वो कहाँ तक जाता है, क्योंकि आपको पता है गर्मी के अंदर बहुत मुश्किल होता है तो कंट्रोल करना। तो अब माइट बी पॉसिबल, अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई भी आपने रैंडमली 10 लोगों को लिए, आपने कहा हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये इस गर्मी के अंदर इनका टॉलरेंस लेवल क्या है, और फिर हम उसको अप्लाई कर लेंगे। अब होगा ये कि नंबर वन बात कि फॉर इंस्टेंस आप किसी का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है उसका बिहेवियर किसी और वजह से भी खराब हो। फॉर एग्जाम्पल, उसके फैमिली मैटर हो सकते हैं, या लेट से उसका किसी फ्रेंड के साथ कोई इशू आ गया है, या उसका कोई वर्क प्लेस पे इशू आ गया है। अब इन तीन चीजों की वजह से आप किसी का एंगर लेवल ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आप उसको लिंक कर रहे हैं कि गर्मी की वजह से, ड्यू टू द हॉट वेदर, उसका जो बिहेवियर है या वो उसके जो एक्शंस है वो इन इन अ सर्टन वे में वो परफॉर्म कर रहा है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ये सबसे बड़ी क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है रिलायबिलिटी के ऊपर, कि आप किसी भी पर्सन को जब आप ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको ये नहीं पता कि उसका जो सर्टन बिहेवियर्स है या जो एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्चुअली हैं किस वजह से। तो क्वालिटेटिव डेटा एक और हमारे पास लिमिटेशंस आ जाती है कि आप एग्जैक्टली जो किसी का बिहेवियर है आप वो काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इंसानी बिहेवियर हर 1 मिनट के बाद जो वो चेंज हो जाता है। यहां तक मुझे बताएं फैज को इशू नहीं सर, क्लियर है ठीक है, इजी है। जी सर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है डेटा कलेक्शन मेथड्स। तो हम देखते हैं हम डेटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई थी डेटा की एक टाइप्स। डेटा कलेक्शन की अगर हम बात करें, तो नंबर वन हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है कि जो कि ऑलरेडी पब्लिश्ड है, लाइक द गवर्नमेंट या कुछ इस तरह के अथेंटिक रिसोर्सेज हैं, जैसे स्टेट हमारे पास स्टेट बैंक हो गया, या इस तरह की बैंक्स की वेबसाइट या कंपनीज की वेबसाइट जहां से आप डेटा जो है ना वो लेना चाह रहे हैं। तो एक तो ये हो गई हमारी ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स जहां से हम डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। नंबर सेकेंड, अगर मैं बात करूं तो हमारे पास पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, नंबर वन। नंबर सेकेंड अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट्स।
या डिजिटल कंटेंट? एंड मीडिया रिसोर्सेस और मीडिया सोर्सेस। अच्छा, अब सम ऑफ द आप कह सकते हैं कि जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं विच कैन बी यूज्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट आर लेटर्स। इसमें पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में क्या आ सकते हैं? लेटर्स, डायरीज वगैरह आ गई, और कोई भी ओरल आप कह सकते हैं हिस्ट्रीज वगैरह पढ़ी हैं, या कोई भी बायोग्राफी या पिक्चर्स वगैरह हो गई जहाँ से आप डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, किसी की फोटोग्राफ्स या इस तरह की कहीं भी चीजें जो कि पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम इसको काउंट कर लेते हैं। अगर आप डिजिटल की बात करें तो डिजिटल के अंदर हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल आप डेटा उठा सकते हैं अमेज़न से, जो कि आपको डिजिटली मीन ऑनलाइन जो है आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। फिर मीडिया सोर्सेस, इसमें आप सोशल मीडिया भी काउंट कर सकते हैं, आप प्रिंट प्रिंट मीडिया भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको हर जगह से कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन वगैरह मिल सकती है। ये तो हमारे पास हो गया नंबर टू प्रोसेस। अच्छा, अब अगर यहां तो हो गया हमारे पास डेटा कलेक्शन के मेथड, नंबर थर्ड अगर मैं बात करूं तो हम डेटा कलेक्ट किस रिसोर्सेज से करते हैं, हमारे पास सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, ये तो हमने कर लिया। अच्छा, अगर मैं आगे बात करूं तो हमारे पास आते हैं क्वेश्चनियर्स। अच्छा, क्वेश्चनियर्स के अंदर क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप क्या करते हैं, आप कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चंस ड्रॉ करने के बाद आप क्या है लोगों को दे देते हैं, और वो फिर क्या है आपको फिल करके दे देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो या तो आपको एक पेज दिया जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि हमारी क्वालिटी कैसी लगी, फिर सर्विस क्वालिटी कैसी है, या प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, इन्वायरमेंट कैसा है, कौन सी चीज बहुत अच्छी है, कौन सी चीज बहुत बुरी है। आपको नॉर्मली क्या क्या किया जाता है, हार्ड फॉर्म में एक पेज दिया जाता है, उसके ऊपर ये सारे के सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, और एंड भी लिखा होता है कमेंट इफ एनी, कि अगर आप मजीद कोई सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर दें। ये प्रोसेस होता है क्वेश्चनियर्स का। आप क्वेश्चनियर के थ्रू लोगों की आप कह सकते हैं कि आप लोगों की राय ले रहे हैं, आप लोगों की सजेशंस ले रहे हैं, लोगों का आइडियाज ले रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं इन चीजों के बारे में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो हमारे पास आते हैं इंटरव्यूज। नंबर फोर जिससे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं वो हमारे पास आते हैं इंटरव्यूज। अच्छा, अब इंटरव्यूज हमारे पास होते हैं तीन टाइप्स के। एक होता है स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। अच्छा, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज कौन से हैं? फैस्ट स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज वो होते हैं जो कि ऑलरेडी आपके पास स्क्रिप्ट तैयार पड़ा होता है, और आप उसको उन क्वेश्चंस को पढ़ते जाते हैं, और अपने जो भी आपका पार्टिसिपेंट या जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जिससे भी आपने डेटा कलेक्ट करना है, आप जस्ट क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और उसे इंटरव्यू करते जाते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं जो भी इंटरव्यू हुआ है उसका एक ऑलरेडी स्क्रिप्ट तैयार पड़ा था, उन्होंने बस वो क्वेश्चंस देखे और आपसे पूछ लिया और आपने फिर उनको रिस्पॉन्ड किया। अच्छा, अब नंबर वन इसके अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो स्ट्रेंथ के अंदर ये है कि एक तो ये कि जो भी आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए होते हैं वो आप क्या करते हैं, आप प्रॉपरली किसी इंसान को ऑब्जर्व करने के लिए आप एक स्क्रिप्ट बना देते हैं, और उस स्क्रिप्ट से प्यार आप क्या है कि सबको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो रिलायबिलिटी जो इशू है वो यहां पर सॉर्ट आउट हो जाता है। नंबर वन। नंबर सेकंड, स्ट्रक्चर इंटरव्यूज जो है वो क्या करते हैं कि वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस में इन्वॉल्व नहीं होते कि जो कि रिस्पोंडेंट रिस्पांस ना करना चाहे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 100% पार्टिसिपेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, उनके लिए कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो कि आपको लगे कि बहुत ज्यादा पर्सनल है या किसी को हिट कर सकता है। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होते हैं, ऑलरेडी जो कि स्क्रिप्टेड होते हैं और आपने सिर्फ उससे देखने और अपने रिस्पोंडेंट से पूछ लेने। आगे मैं अगर इसकी लिमिटेशंस की बात करूं
तो आप एक ही स्क्रिप्ट से सब लोगों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो जनरलाइजेबिलिटी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इस बात का क्या मतलब है जनरलाइजेबिलिटी? जनरलाइजेबिलिटी का मतलब ये होता है फैज के अगर फॉर एग्जांपल कोई 10 क्वेश्चंस है, वो 10 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे, माइट बी पॉसिबल शायद वो आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक हो और उन 10 क्वेश्चन से मुझे आपकी पर्सनैलिटी का पता चल जाए कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे है, लेकिन जरूरी नहीं कि वही 10 क्वेश्चन अगर आप मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर मेरे से पूछेंगे तो आपको एग्जैक्टली मेरी पर्सनैलिटी का भी पता चल जाएगा। नहीं, आप एक स्क्रिप्ट से तमाम ऑब्जर्व आपके जितने भी रिस्पॉन्डेंट है आप उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो जनरलाइजेबिलिटी इट्स अनदर इम्पैक्ट। एक और जो चीज है, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो इसके अंदर आपकी बाइसनेस नहीं आती, मतलब आपने सबसे सेम क्वेश्चंस पूछने, आप यहाँ पे लाइक या डिसलाइकनेस जो है ना वो आप नहीं पूछते। नंबर सेकंड जनरलाइजेबिलिटी अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल आपने कुछ क्वेश्चन डेवलप किए थे फॉर अ मेल, और अगर आपके आपके सामने रिस्पोंडेंट आ गई है फीमेल तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है, या अगर आप पूछते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे फीमेल जो वो एम्बेरसमेंट फील करती हैं टू रिस्पॉन्ड, तो ये भी एक इश्यूज आ जाते हैं आपके स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के अंदर। अच्छा, अनस्ट्रक्चर्ड क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब ये है कि आपने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं किया, बल्कि जो इंसान आपके सामने आता है आप उसकी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए उसके सामने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं। एक तो ये है कि चूंकि स्क्रिप्ट नहीं होता, ठीक है, तो इट could be more reliable than structured interviews. अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगले के इंटरेस्ट को देखकर, तो इंटरेस्ट तो होता क्या है कि जो रिस्पोंडेंट है वो मोर विलिंगली होता है आपको रिस्पोंड करने के लिए, तो आप क्या पूछ सकते हैं, आप इंटरेस्टेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। चूंकि स्क्रिप्ट तैयार नहीं है तो आप किसी से उसका इंटरेस्ट पूछ के फिर उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें, तो इंटरेस्टेड क्वेश्चंस यहां पे पूछे जा सकते हैं। नंबर सेकंड, अलाइंग द रिस्पोंडेंट टू टॉक फ्रीली। यहां पर कस्टमर क्या है, सॉरी, आपका जो रिस्पोंडेंट क्या है वो फ्रीली टॉक कर सकता है, जो कि स्क्रिप्टेड उसमें नहीं होता स्ट्रक्चर्ड के अंदर। देन द रिसर्चर मस्ट एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग विद द रिस्पोंडेंट। इफ दिस इज अचीव्ड, पीपल हु डोंट ट्रस्ट बीइंग स्टडीड can open up to the researcher allowing sensitive issues to be explained in depth. जब वो talk freely करते हैं तो आप sensitive topics के ऊपर भी उनसे questions या जो भी एक answers हैं वो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो sensitive जो भी topics हैं उसके ऊपर भी वो discussions कर सकते हैं। ये तो हमारे पास आ गई strengths। अगर तो हम इसकी limitations की बात करें तो आप questions पूछते पूछते कुछ questions ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत पर्सनली हो सकते हैं, तो बहुत पर्सनली हो सकते हैं और आपका जो रिस्पोंडेंट है वो आपको नॉट विलिंग टू रिस्पॉन्ड, एंड दैट वुड बी अनदर इशू। देन अनदर लिमिटेशन इज दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरव्यू आर नेचुरली बाइज्ड बाय इंटरव्यूज इफेक्ट। यहां पर क्या है, आप कुछ क्वेश्चन बाइस्ड हो सकते हैं। बाइस्ड का मतलब यह है कि आप फेवरेटिज्म के अंदर आ सकते हैं, तो आप फॉर एग्जांपल आप किसी की पर्सनैलिटी को जज करते हुए कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि जो वो रिस्पॉन्ड नहीं करना चाह रहा, और फिर उसकी बेस्ड पे आप उसको फेल भी कर सकते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल आप जॉब को इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, तो अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर ये भी इशूज आ जाते हैं। सेमी की बात करूं तो सेमी के अंदर आपका कुछ स्क्रिप्ट होता है, यानी कि कुछ आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड किसी की पर्सनालिटी को देख के, यानी कि दोनों का मिक्सचर आप बना लेते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, आप चीजों को मोल्ड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फिर हमारे पास आता है ग्रुप इंटरव्यूज, नंबर फिफ्थ, ग्रुप इंटरव्यूज।
आप लोगों से ग्रुप में बैठ के इंटरव्यूज कर सकते हैं, और फिर ये क्या होता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन चूंकि ग्रुप में बैठे होते हैं तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है टू रिस्पॉन्ड दैम। नंबर सिक्स हमारे पास आता है ऑब्जर्वेशंस। आप दूर से बैठ के किसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ऑब्जर्वेशंस के अंदर कुछ पार्टिसिपेंट्स की ऑब्जर्वेशन भी इन्वॉल्व होती है, इसको हम दो हिस्सों में कैटेगराइज कर देते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन नाम से पता चल रहा है, जिसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्व हो रहा होता है और वो पार्टिसिपेंट्स को आइडिया होता है, ठीक है। जब पार्टिसिपेंट को आइडिया होता है तो एक इश्यू और जहां पे अराइज होता है, जिसको हम बोलते हैं हॉथरोन इफेक्ट। हॉथरोन इफेक्ट क्या कहते हैं? हॉथरोन इफेक्ट बोलता है कि जब भी आपको रियलाइज होता है कि आप ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, या कोई आपको देख रहा है, तो फिर आप नेचुरली बिहेव नहीं करते। आप इसकी लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं। एक तो यह कि पार्टिसिपेंट्स चूंकि इन्वॉल्व हैं, जो भी आपके रिस्पॉन्डेंट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग्स कि आपको डेटा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन वो नेचुरली बिहेव नहीं करते, दैट कुड बी अनदर लिमिटेशंस। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर आपको जो रिस्पॉन्डेंट है उसको आइडिया नहीं होता, हैव नो आइडिया कि वो ऑब्जर्व हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहां पर क्या होता है कि हमारे पास आप बोल सकते हैं कि एथिकल फिनोमेना या एथिकल इश्यूज आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और वर्ड है, वो है ओवर्ट पार्टिसिपेशन। ओवर्ट पार्टिसिपेशन का क्या मतलब होता है कि व्हेन दोज बीइंग स्टडीज आर अवेयर दे आर बीइंग रिसर्च्ड, कंट्रास्ट विद कोवर्ट पार्टिसिपेशन ऑब्जर्विंग व्हिच इज व्हेन दोज बीइंग स्टडीज आर अनअवेयर। जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बोली हम इसी को ओवर्ट पार्टिसिपेशन भी बोलते हैं, जिनको आइडिया होता है कि हम ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, जबकि इनको हम कोवर्ट पार्टिसिपेंट्स भी बोलते हैं। फैज मुझे बताएं, यहां तक आपको कोई इशू? क्लियर क्लियर है अभी तक तो जी है, इजी है? सर। ओके दैट्स गुड। तो फैज ये तो हमारा हो गया। अभी तक हमने जितना भी किया है, हमने स्टार्ट लिया कि हमारे पास डेटा की कितनी टाइप्स हैं। हमने देखा प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा वो होता है जिसको हम खुद कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी वो होता है जो कि ऑलरेडी पब्लिश होता है। फिर हमने इसको फर्दर कैटेगराइज किया, तो एक हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा होता है और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव नाम से पता चल रहा है, डेटा दैट यू कैन काउंट, ठीक है, दैट नंबर ऑफ पीपल लिव्ड इन अ सिटी। और फिर क्वालिटेटिव वो डेटा जो कि आप काउंट नहीं कर सकते। फिर हमने कहा कि फिर हमने इसकी कुछ स्ट्रेंथ भी देखी, लिमिटेशंस भी देखी। फिर हमारे पास था कि डेटा कलेक्शन, हम डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं। तो हमारे पास कुछ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि वेबसाइट्स वगैरह, वहां से क्वेश्चंस ले सकते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चनेयर्स होते हैं, हम खुद क्वेश्चनेयर ड्रॉ करते हैं और फिर जाके आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर हमने कहा हम इंटरव्यूज कर सकते हैं। इंटरव्यूज को हमने कैटेगराइज किया 300 के अंदर, जिसको हमने बोला एक हमारे पास होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज और सेमी स्ट्रक्चर्ड। जो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड वो होते हैं जो कि ऑलरेडी स्क्रिप्ट तैयार होते हैं उनके पास, और वो उसके ऊपर जो क्या करते हैं, क्वेश्चंस वगैरह पूछना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है कि वो सिर्फ किसी पर्सन को देखकर उसके हिसाब से वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि सेमी स्ट्रक्चर्ड के अंदर क्या है कि स्ट्रक्चर्ड यानी कुछ आपके पास स्क्रिप्ट होता है और कुछ आप इंडिविजुअल को देखकर चीजें ऑब्जर्व करते हैं। फिर ग्रुप इंटरव्यूज, आप ग्रुप की फॉर्म में इंटरव्यूज कर रहे होते हैं टू कलेक्ट द डेटा। फिर ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन को हमने फर्दर कैटेगराइज किया 200 के अंदर। एक हमारे पास पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन थी और एक नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन थी। यहां तक हमने जो है ना वो क्वेश्चंस किए थे। तो अभी